किसी डॉक्टर ने या किसी तिब के जानने वाले ने ये कहा था कि तेल जो होता है, कोई सा भी तेल, नाफ में और नाफ में, नाक में, नाक में, हाँ, और मकद में, ये तीन जगह पे लगाया जाए तो कभी मतलब बीमार नहीं होगा। अच्छा, तेल कोई सा भी हो, तेल सरसों का हो, जैतून का हो, तिली का हो, लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद इसमें सरसों, पीली सरसों का, पीली सरसों का। ये मतलब ये मकामात चिकने रहने की वजह से मतलब जो है वो आर्जे दूर रहते हैं जिसम से, एक दफा काफी है दिन में या दो बार? एक दफा खुश्की का कोई मर्ज पैदा नहीं, और अक्सर अमराज हमारे यहाँ गर्मी और खुश्की के पैदा जी, मतलब ये खुश्की नहीं रहेगी तो फिर कोई मर्ज पैदा। और ये भी हर मिजाज जिसम का, जो भी मिजाज हो उसके लिए काम। दूसरी बात ये कि नाक में, मुंह में, नाक में तेल लगाने वाले कभी खारिश नहीं होती किसी भी हिस्से में जिसम, अगर है तो वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाएगी। एक्चुअली हम लोग इस्तेमाल करते ही नहीं, पहले बुजुर्ग थे की रोज मालिश करते थे, खाते थे, कभी बीमार नहीं होते थे, कोई मर्ज नहीं होता था। हमारे वाले साहब तेल को बहुत ज्यादा जो है ना वो इस्तेमाल करने का कहते हैं कि आप तेल लगाएं उसके बाद नहा लें, चाहे सर में हो चाहे जिसम में हो। तो और कभी कभी यूं भी कहते थे कि नहाने के फौरन बाद पूरे जिसम पे तेल चिपड़ लिया जाए, तो दोनों तरफ फायदे हैं। चलो बदन में खुश्की नहीं रहती ना, मसाम ताकतवर रहे। जी जी, जब तक मसाम में सिकड़ने और फैलने की कुवत रहेगी ना, आप बीमार रहेंगे, और वो कुवत जब रहेगी जब उसकी आबियारी होगी जी, जो उसकी जरूरत उसको दी जाए। और आमतौर पर हम लोग हमारे माशरे में तेल बहुत कम इस्तेमाल होता है, लोग शैम्पू से ही और खुश्क रह कर बाद, तो यूँ बीमारियाँ ज़्यादा हमलावर होती हैं, इसीलिए नज़र भी जल्दी कमज़ोर हो जाती है जी।